हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड, ये छोले मटर कुलचे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर ली थी एक कटोरी ये मटर, तो सफ़ेद वाली जो मटर मिलती है ना मार्केट में, वो हमने ली थी। उसको हमने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था, जब अच्छे से वो फूल गई थी फिर इसको हमने उबाल लिया है। तो 3 से 4 विसल लेने के बाद ये अच्छे से उबल जाती है। तो इसको हम अभी आधा निकाल लेते हैं इस बोल में और इसके हम छोले बनाएंगे। तो ये छोले जो है वो मटर से ही बनते हैं, वाइट वाली मटर से। अब इसमें मैंने डाल दिए इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज, और इसी के साथ हमने डाल दिया एक टमाटर बारीक कटा हुआ। 2 से 3 हम बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम थोड़ा ही धनिया। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। तो ये मैंने डाल रहा है काला नमक, थोड़ा सा इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम ये काली मिर्च का पाउडर। ये मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब, और इसमें हम डाल देंगे अब नमक। अब इसमें डालेंगे ये हरी चटनी मैंने बनाकर रखी है, तो 2 चम्मच ये हरी चटनी इसमें डाल देती हूँ। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून इमली का पल्प। इमली के पल्प डालने से बहुत ही बढ़िया अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये मैंने लिया है आधा नींबू, इसका भी हम इसमें रस इस तरीके से निचोड़ देंगे। फिर सारी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आप आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं जब आपका मन करे खाने का। अब हम इन छोलों को फ्राई कर लेंगे। तो हमने एक पैन लिया, उसमें डाला है 2 चम्मच ये बटर, इसको हम मेल्ट होने देते हैं। जब हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे एक प्याज। तो इसको प्याज को हमने इस तरीके से अभी लंबा लंबा कट किया है, और थोड़ा सा इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए सौते कर लेंगे। तो बहुत ही इजी ये रेसिपी है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज हमारा जो है वो अच्छे से सौते हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे एक टमाटर, इसको भी हम इसमें मिला देंगे, और हल्का सा इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए। तो बहुत ही यमी और टेस्टी ये छोले कुलचे बनकर तैयार होते हैं। तो ये मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया थोड़ा सा, और इसको डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने छोले बनाकर रखे थे। तो सारे छोले हम इसमें डाल देंगे। तो जब भी आपका मन करे आप आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। इनको भी हम अच्छे से मिला देते हैं सारी चीज़ों के साथ। तो हमारे ये छोले बनकर, मटर छोले बनकर तैयार हो गए हैं। तो है ना, बहुत ही आसान इनको बनाना। अब हम इसके लिए कुलचे सेक लेंगे। ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, और तो हरा धनिया इसमें खूब जाता है, आप अच्छे से इसमें डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है छोले में ये हरा धनिया। इसको भी मिला देंगे। थोड़े से हम ये डाल देंगे इसमें अदरक बारीक कटे हुए। ये मैंने एक पैन लिया है, उस पर हमने बटर लगा दिया है। ये मैंने मार्केट से लिए हैं कुलचे, उनको हम इस तरीके से उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत ही इजी ये रेसिपी है, कभी भी आप ब्रेकफास्ट लंच में इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इन कुलचों को अच्छे से गर्म कर लेंगे, सेक लेंगे इस पर तवे पर। जब भी आपका मन करे आप आसानी से इसको घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। तो हमारे जो कुलचे हैं वो सिककर तैयार हो गए। थोड़ा सा इस पर हरा धनिया डाल देते हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसे बनाने के लिए। और ये हमारे कुलचे भी जो है वो सिककर तैयार हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। देखिए बढ़िया से सिक चुके हैं। तो इसको मैंने हरी चटनी और प्याज लेमन के साथ सर्व किया है। तो इसको मैं एक टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी और यमी ये छोले कुलचे बनकर तैयार हुए हैं। तो
बहुत ही बढ़िया बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।